अब हम लोग करने जा रहे हैं, कोई भी नंबर दिया है तो उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, हम वो करने जा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 24 के कितने फैक्टर्स हैं, आप बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। मैं बोलूंगा इसमें से कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो आप वो भी कैलकुलेट करा करके बता सकते हैं 2, 5, 2, 3। मैं बोलूंगा कि इसमें जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबका सम कितना होगा, तो वो भी आप ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। तो इन्हीं चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी नंबर को मैंने बोल दिया 2, 4, 1, 3, 5, 7, अब दिक्कत हो जाएगी, गेटिंग इट और नॉट, या 2400 ही बोल दिया, छोटा सा नंबर 2400 बोल दिया, अब इसके प्राइम फैक्टर निकालने जाएंगे तो कितना नंबर आएगा, 100 बोल दिया तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम वो सीखने जा रहे हैं। क्या सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू गेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स सम सम ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, और भी चीजें हैं बट वन बाय वन हम लोग चलेंगे, लास्ट में सारी चीजें अपना कवर होंगी। तो एक छोटा सा नंबर उठाते हैं, सपोज करते हैं 24 जिसकी मैंने बात की है, तो एक एग्जांपल इक्वेशन के बेसिस पे करते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 24। बोला जा सकता है कि नहीं, डिविजन मतलब मल्टीपल, 24 के कितने मल्टीपल है, दैट इज हाउ मेनी डिविजर्स आर देयर ऑफ द 24। तो अगर आंसर के टर्म्स में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 8। इसी क्वेश्चन बोला जाएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिविजर्स ऑफ 24। तो यहां पे आंसर क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, 3, 3, 6, 10, 16, 16 and 8, 24, 24, 24, 48। कितना आ गया आंसर, 60। बस इसी तरह पूछा जाएगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर्स, तो वो भी हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो ये एक छोटा नंबर था, एक छोटा नंबर था, उस पर हम लोगों ने इस तरीके से काम किया। तो इसमें अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते, फाइंड आउट तो नहीं कर पाएंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग चल रहे हैं कर। ठीक है, अगर कोई नंबर n है, ठीक है, जिसकी कुछ नंबर को क्या लिखेंगे, प्राइम्स के फैक्टर में लिखेंगे, प्राइम के फैक्टर में लिखेंगे, प्राइम 1 की पावर n1, प्राइम 2 की पावर n2, प्राइम 3 की पावर n3, प्राइम n की पावर, प्राइम r की पावर, जो भी हो nr। ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ या ना? आप PQRS भी लिख सकते हैं, जहां पे PQRS जो है वो प्राइम नंबर है और उनकी जो पावर है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। आसान बनाने के लिए मैं थोड़ा सा, A B C प्राइम नंबर है, इनकी पावर PQRS, ठीक है, कोई भी नंबर है तो ऐसे लिख सकते हैं, वेयर A B C आर prime numbers and
PQR are the any numbers. ABC prime number है, prime number की कुछ भी power है, prime number की कुछ भी power है, ठीक है? वो power क्या हो सकती है? Zero से लेके कोई भी number हो सकता, whole number, ठीक है ना? मतलब 1 by 2, 1 by 3 नहीं रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें पूछा जाए कि total number of divisors या total number of factors कितने होंगे? तो फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? ABC पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, फैक्टर डिपेंड करेगा PQR पे। तो टोटल कितने फैक्टर होंगे? P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1, ठीक है? This is the first thing you need to write it down. You need to write it down. ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज आएगा कि नंबर ऑफ सम ऑफ द डिविजर्स की अगर बात कर ले यहीं पे, सम ऑफ ऑल द डिविजर्स है जो भी फैक्टर्स। अब सम में क्या करेंगे? ए की पावर जीरो प्लस ए की पावर वन प्लस ए की पावर टू प्लस ए की पावर थ्री इंटू बी की पावर जीरो, बी की पावर वन, बी की पावर क्यू तक इंटू सी की पावर जीरो, सी की पावर वन, सी की पावर आर तक, इस तरीके से जहां तक जाए। क्यों होगा वो भी मैं समझाऊंगा, वाई वी आर टेकिंग ए पावर जीरो, ठीक है? इक्वेशन लेंगे, उसकी हेल्प से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? अगली चीज आती है प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर्स, जितने लोग आए हैं, जितने डिविजर्स आए हैं, ठीक है, ये जो है इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो कितना होगा? दैट इज एन टू द पावर, जो नंबर है उसकी पावर नंबर की पावर जितने फैक्टर है डिवाइडेड बाय टू, नंबर ऑफ डिविजर्स डिवाइडेड बाय टू, जितने डिविजर्स हैं डिविजर्स डिवाइडेड, ठीक है? एन क्या है? जो गिवन नंबर है, नंबर की पावर जितने डिविजन डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि एक बार वन इंटू टू भी होता है, एक बार टू इंटू वन भी होता है, उसके हिसाब से यहां पर सारी चीजें चलेंगी। क्लियर है? इसी में आता है नंबर ऑफ डिविजर्स के अलावा एक और चीज आती है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर या प्राइम डिविजर्स, ठीक है? वो कितना होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, कितना होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स। क्लियर है? हाँ ना? तो ये चारों चीजें नोट कर लीजिए। एक और होता है, वो इसमें नहीं लगेगा, नंबर ऑफ यूनिट से क्या पर नहीं आएगा, वो दूसरे क्वेश्चन आएगा, आता है तो बताता हूं मैं। यूनिक डिविजर्स कितने होंगे तो उसमें क्या होता है? प्राइम हो जाता है, ठीक है? अब पहले मैं अगर 24 के लिए ही आपको समझाऊंगा, ठीक है? ये दोनों चीज नोट डाउन करिएगा, 8 और 60 है, आंसर याद रखना, 8 और 60 है अपना आंसर, ये याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन ले रहे हैं, given n is equal to 24, ठीक है? सारी चीज निकालना है, find the total number of divisors। तो पहले अगर अपन सॉल्व करें इसको, क्वेश्चन के लिए एग्जांपल कर दूं मैं, n क्या है? 24, तो इसको प्राइम के फॉर्मेट में तोड़ना है, तो n कितना हो जाएगा? 8 into 3, n कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1, कोई और तो मिलेगा नहीं, तो ये इस पैटर्न में बन गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 1, सो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितना हो जाएगा? जो पावर है उसमें 1, जो पावर है उसमें 1, दैट इज 4 इंटू 2, हाउ मच? 8, ठीक है? अब आगे अगर बात करें कि सम ऑफ डिविजर्स की, तो समझते जाइएगा मतलब क्या बोल रहे हैं, 2 की पावर 3 तक जाना है, लेकिन कहां से जाएंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, That is 1 plus 2 plus 4 plus 8, 1 plus 3, 8, 4, 12, 12, 3, 15,
15 4 60, यही था आंसर, याद आ रहा है? हाँ या ना? अगर यहीं पे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स तो हाउ मच दिस विल बी 24 पावर नंबर ऑफ डिजिट्स 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24 पावर 4। आप चाहो तो इसके जितने भी फैक्टर्स आए थे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे याद आ रहा हो तो 24 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 3 4 6 8 12 24, यस और नो? तो देखो 8 3 24 24 4 6 24 24, तो 24 कितने पेयर बने, 1 into 24 2 into 12 3 into 8 4 into 6, दैट इज 24 के कितने पेयर बने, 4। क्लियर हो गई बात इतनी? हाँ या ना? अब बता कि यहाँ पे 2 की पावर 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 आता है ना, जैसे यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, तो 1 भी तो एक डिविजर्स होता है। यहाँ पे क्यों मैंने 3+1 क्यों लिया जा रहा है, यहाँ पे जैसे पावर इसकी जो थी पी थी तो पी प्लस वन क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे ये 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 तक जाना है, लेकिन 0 भी अलाउड है, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या देगा, 1 देगा, 1 तो अलाउड है ना अपने पास, तो 1 से चलेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? तो इसको एक बार इतना नोट करो, फिर इस पे एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, अच्छे से नोट कर लो, ये पूरी चीजें नहीं बताई जाती और एक जगह नहीं मिलेंगी, ये पूरी चीजें नहीं बताई जाती और एक जगह नहीं मिलेंगी, मैं दे रहा हूं, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ठीक है? नोट करके बताओ आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पे करेंगे, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। Find the total number of divisors sum of all the divisors product of all the divisors एक और पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर एंड वन फॉर जो नंबर है वो लेट से अपन कितना ले लें और दूसरा भी नंबर इसी से मिलता जुलता ले लेते हैं लेट से 7560, ठीक है? एक 3 digit एक 4 digit। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, गिवन नंबर क्या है 756, क्या नंबर दिया हुआ है 756, नंबर बड़ा है लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देखेंगे जैसे अपने को आएगा वैसे करेंगे। तो दिखाई दे रहा है 7 8 56, तो सबसे पहले 7 ही कर दिया, 108
बहुत ही आसान हो गया, 108 आ गया, 7 8 जा 56, 12 9 जा 18, 12 9 जा 108, क्लियर है? 12 कितना होता है? 4 into 3, and this is 3 into 3, that is n is nothing but 4 को क्या लिखेंगे? 2 square, 3 into 3 into 3, 3 power 3, 7 power 1. अब जब बात आएगी sum, total number of factors, number of divisors या factor जो भी बोलो, number of divisors कितना जाएगा? 2 plus 1, 3 plus 1, 1 plus 1. That is 3 into 4 into 2. कितना जाएगा? 24. फिर आएगी बात sum of all divisors. तो यहां पे क्या आएगा? 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2. 3 की power 0, 3 की power 1, 3 की power 2, 3 की power 3. 7 power 0, 7 power 1, 1 plus 2 plus 4, GP से भी solve कर सकते हैं, लेकिन छोटी चीज़ें हैं, तो GP का formula लगाएंगे, बड़ा जाएगा, directly solve करते हैं, this is 7, this is 1, 1 plus 3, 4, 4 plus 9, 13, 13 plus 27, 40, 4 0, 40, into 7 plus 7 power 1, how much? 8. तो 7 8 जा 56 into 14 0 2 4 5 जा 20 2 2 4 0 क्या हुआ? जितने divisors निकलते हैं उन सब का sum कितना हुआ? 2 2 4 0 3rd product of all divisors, product of all divisors तो वो कितना हो जाएगा? नंबर पावर क्या बताया था? नंबर ऑफ डिवीजर्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट इज द नंबर? 756. इसकी डिवीजर्स टोटल कितने निकले थे? 24. 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 756 पावर कर. एंड फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने डिवीजर्स ऐसे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर एक्सक्लूडिंग वन द नंबर एंड द वन. कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है भाई वन और उस नंबर को छोड़ दो, तो नंबर ऑफ डिवीजर्स इज इक्वल टू टोटल कितने डिवीजर्स निकल के आए थे? 24. उसमें से दो लोगों को माइनस करेंगे. कई बार केवल बोलेगा एक्सक्लूडिंग द नंबर तो एक को माइनस करेंगे, कई बार बोलेगा कि अपार्ट फ्रॉम वन हाउ मेनी डिविजर्स आर देयर तो भी वन को ही माइनस करेंगे. यहां पे बोला है नंबर को घटाना है, वन को घटाना है, तो टोटल इसके कितने डिविजर्स आ जाएंगे? 22. कितने डिविजर्स आ जाएंगे? 22. और यही अपना आंसर आ गया. क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर तुरंत हम लोग 7560 का कर लेंगे और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं जो समझानी है. ठीक है, एक बार इतना नोट डाउन करो. तो चारों पॉइंट्स मैंने नहीं रख लिए. अभी यहां पे जो नंबर हो गया वो कितना हो गया? 7560. That is 756 into 10. That is 7 into 108 into 2 into 5. That is 7 into 12 into 9 into 2 into 5. That is 7 into 4 into 3 into 3 into 3 into 2 into 5. So 2 kitni baar aa gaya? 3. That is 2 power 3 into 3 kitni baar aa gaya? 3. 5 1 times and 7 1.
क्लियर हो गया इतनी बात। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने निकल के आएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स जो आपके पास आएगा 3 + 1, 3 + 1, 1 + 1, 7 + 1। 1 क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना, बिकॉज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, क्योंकि चलो सबकी पावर 0 ले लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, कितना मिला 1 × 1 × 1, तो 1 भी तो एक फैक्टर है। सपोज करो इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1 लिया तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, मतलब सबकी पावर 0 एक बार तो अलाउड ही है ना, तो कितना मिलेगा 4 × 4 × 2 × 2, 7 की पावर 1 है तो 1 + 1, तो कितना आ गया 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो टोटल कितने डिवीजर्स निकल के आए अपने पास 64। अब पूछा जा रहा सम ऑफ द डिवीजर्स, तो क्या आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इनटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इनटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 इनटू 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है कि क्या चीज कैसे आया, फिर भी नहीं याद है तो केवल फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो चलेगा, इसके पीछे का कंसेप्ट एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में केवल फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, फॉर्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। बाकी ये क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो हो सकता है कभी 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई हो, कभी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो, जैसे इसका एक फैक्टर 6 होगा, इसका एक फैक्टर 6 हो वो कब मिलेगा, जब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो, इसके साथ हो, इसके साथ हो, ना हर किसी का मल्टीप्लिकेशन और 6 मतलब 2 × 3 मतलब 2 पावर 1, 3 पावर 1, बाकी है। अगर हमें 1 चाहिए तो 1 भी तो क्या है, तो सबका 1 होना, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 8 15, ये कितना हुआ 1 1 + 3 4 4 + 9 4 + 9 13 13 + 27 40 40, ओके यहां पे क्या आएगा 5 + 1 6, यहां पे क्या आएगा 1 + 7 8, ये 41 है, 27 + 9 36 40, ओके 1500 × 600 × 48 00 2880 2880 2880, ये क्या हो गया अपना आंसर निकल के आया सम ऑफ डिवीजर्स का। उसके बाद बात आएगी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवीजर्स, जो जितने डिवीजर्स निकल गए 64, इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, तो नंबर लिखोगे 7560, इनके डिवीजर्स कितने निकले 64 / 2, दैट इज 7560 / 32, ठीक है ना, कैसे निकलेंगे मैंने बता चुका है, ठीक है ना, 24 के मैंने बताया था 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो जितने बनेंगे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ऑड नंबर रहेगा तो यहां पे एक अकेले रहेगा इसलिए वो भी चलेगा। नंबर ऑफ डिवीजर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो कितने डिवीजर्स थे टोटल अपने पास 64, उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे तो कितना रहेगा 62। तो इस तरीके से कोई भी नंबर दिया है उसके नंबर ऑफ डिवीजर्स, सम ऑफ द डिवीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजर्स, टोटल प्राइम डिवीजर, जितना पूछा जाए सब कुछ आप बता सकते हैं, बस रिवाइज कर लेना बीच में एक बार और इसकी एक अच्छी नोट्स बना लेना, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से पूरा प्रॉपरली, कहीं पे कोई डाउट है तो उसको एक बार चाहो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। चलो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके बाय बाय।